वालेकुम आज हम बड़ी ही टेस्टी और हेल्दी डिश बना रहे हैं इसका नाम है क्रीमी स्पेगेटी विद चिकन इन बाबिक्यू सॉस दोस्तों हम आपसे एक खास बात करना चाहते हैं आज हमने चैनल मेंबरशिप शुरू की है तो आप भी अगर ये चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें अब चैनल मेंबर बनने में क्या क्या फायदे हैं ये सारी डिटेल्स आपको वहीं पर मिलेगी इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स हमें ज्वाइन करेंगे जजाक अल्लाह खैर तो उसके लिए हमने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है छोटे छोटे पीसेस किए हैं चिकन के वॉश कर लिया चिकन को तकरीबन 300 ग्राम के आसपास चिकन है अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे मैरिनेट करेंगे इसे ज़्यादा नहीं बस 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करना है ये नमक है हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून थोड़ी इसमें फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च भी डालेंगे हाफ टी स्पून के आसपास थोड़ा ऑयल भी मिला देंगे इसमें एक से दो टी स्पून बस इतनी ही चीज़ें डालनी है मैरिनेट करना है पंद्रह से बीस मिनट के लिए एक साइड पर रखना है चिकन मैरिनेट होती हैं एक अच्छा सा बाबे की सॉस बनाकर तैयार करते हैं घर पर ही बनाएंगे मार्केट से लाने की जरूरत नहीं है हमने एक बोल में केचप ले लिया एक टेबल स्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्च इसमें मिला देंगे एक चौथाई टी स्पून वैसे इसमें पेपरिका डाला जाता है अगर अवेलेबल है तो आप वो डालें वो सब जगह अवेलेबल नहीं होता इसीलिए हमने आसान वाला बताया है एप्पल सीडा विनेगर एक टी अगर एप्पल सीडा विनेगर नहीं है तो नॉर्मल विनेगर डाल दें वो भी नहीं है तो लेमन जूस डाल दें एक टी सोया सॉस ये हम डालेंगे दो टी स्पून हाफ टी स्पून शक्कर अगर ब्राउन शुगर है तो ब्राउन शुगर ऐड कर दें लसन का पाउडर हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर अगर ये अवेलेबल नहीं है तो एक कली लहसन को ग्रेट करके इसमें मिला दें एक चौथाई टी के आसपास काली मिर्च भी डालेंगे अगर आपके पास पाउडर अवेलेबल है तो रेडीमेड पाउडर भी डाल सकते हैं हमने यहाँ पर फ्रेश यूज़ की है एक टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट अगर ये मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो आप राय को यानी कि मस्टर्ड को मिक्सर में पाउडर बनाकर हाफ टी स्पून के आसपास डाल सकते हैं इसमें दो टीस्पून हनी यानी कि शहद बाबे सॉस थोड़ा मीठा होता है तो दो टीस्पून हमने डाल दिया शहद सोया सॉस में टमेटो के चप में नमक है इसीलिए बस हम ज़रा सा नमक डालेंगे एक पिंच के आसपास इसे मिक्स करके एक साइड पर रखेंगे रेडी हो गया ये एक पैन में हमने एक टेबल स्पून के आसपास ऑयल डाल दिया ऑयल गर्म हो गया इसमें हम चिकन मिला देंगे हाई फ्लेम करके चिकन को अच्छी तरह अलट पलट करते हुए फ्राई करेंगे तीन से चार मिनट बहुत अच्छी तरह चिकन को सॉटे किया फ्लेम लो करके चार से पाँच मिनट चिकन के गलने तक पकाएंगे पानी नहीं डाला है अपने ही जूसेस में चिकन गल जाएगी चार से पाँच मिनट के बाद काफी हद तक चिकन टेंडर हो गई है हमें फ्लेम को थोड़ा हाई करना है और अच्छी तरह इन्हें पकाना है तब तक जब तक इन पर ब्राउन मार्क्स नहीं आ जाते इस तरह चलाते हुए पकाएंगे चिकन पर अच्छे से ब्राउन मार्क्स आ गए हैं बस यही पॉइंट तक हमने पकाना है फिर फ्लेम को बंद करना है ध्यान रहे फ्लेम को हमने बंद कर दिया बंद करने के बाद जो बाबे की सॉस हमने तैयार किया है उसे डाल देना है अगर आपके पास रेडीमेड बाबे सॉस है तो आप वो दो टेबल स्पून डाल सकते हैं और साथ में इसके थोड़ी सी हनी भी ऐड कर सकते हैं बस गरम गरम में ही हम इसे इस तरह चलाएंगे इस तरह चलाएंगे इसे कवर करके रख देंगे तब तक हमारी क्रीमी स्पैकेटी बना लेते हैं क्रीमी स्पैकेटी बनाने के लिए एक वोक में एक कप दूध को हमने बॉईल करने के लिए रखा तकरीबन 250 सौ पचास दूध जिसमें हम फ्रेश क्रीम मिलाएंगे ये एक चौथाई कप है चार टेबल स्पून के आसपास दूध के बॉईल होने के बाद ये सारी चीज़ें मिक्स करें एक चौथाई कप हम इसमें प्रोसेस चीज़ भी डालेंगे अगर आपके पास शेडर अवेलेबल है तो वो भी डाल सकते हैं दूध बॉयल होने के बाद फ्लेम को हमने लो कर दिया लो फ्लेम पर अच्छी तरह मिक्स करेंगे फ्लेम को हमने थोड़ा हाई किया चीज़ मेल्ट हो चुकी है मिक्सचर अच्छा सा गाढ़ा हो गया है दो टेबल स्पून हॉट सॉस डालेंगे यानी कि चिली सॉस आप तीखा कम खाते हैं तो यहाँ चिली सॉस कम डाल सकते हैं साथ में हम इसमें स्पेगेटी भी डालेंगे दो कप स्पेगेटी है ये बॉईल होने के बाद आप चाहें तो स्पेगेटी की जगह पर मैक्रोनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लेम लो है बस हमें अभी बहुत अच्छी तरह इसे मिक्स करना है नमक हमने नहीं डाला चीज़ में नमक है हॉट सॉस में नमक है तो टेस्ट करके बाद में ऐड किया जा सकता है सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह मिला दिया अब वक्त आ गया है सर्व करने का तो चलिए देर किस बात की सर्व करते हैं गर्मा गर्म क्रीमी स्पैगेटी विथ चिकन एन बाबी सॉस फ्लेम को बंद करते हैं